لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर हर रोज 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा कि जब तक अपनी जगह जन्नत में ना देख ले। गोया के ये ऐसे हैं जैसे आप समझ लें कि मरने से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देखने का एक नुस्खा कई माका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया है। और दूसरी तरफ ये है कि फजीलत दुरूद पाक की इतनी है कि रोजाना 1000 मरतबा पढ़ने वाला शख्स मरने से पहले अपनी जगह जन्नत में देखने का मौका मिल रहा है उसको। बहरहाल शाबानुल मुअज्जम का महीना तशरीफ ले आया है जिसके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी रमजान भी देखना नसीब होगा। रमजान का महीना आने से पहले शाबान का आ जाना और शाबान में अल्लाह तबारक व तआला का हमें एक ऐसी रात अता कर देना कि जिसमें अल्लाह इतनी नेमतें बांटता है, इतना कुछ अता करता है, इतनी बख्शिशें लुटा रहा है, गोया के एक सर्टिफिकेट बंदे के लिए जारी होता है कि ये जहन्नम से आजाद है। और साथ ही साथ ये भी पता लग रहा है कि इस रात के अंदर फैसला हो जाना है कि किसने अगले साल दुनिया में आना है और किसने अगले साल दुनिया से जाना है। गोया के इस रात के स्टार्ट होते ही एक नया रजिस्टर ओपन होता है, पुराना रजिस्टर क्लोज हो जाता है, नया रजिस्टर ओपन हो जाता है, नामा अमाल या सारी चीजें पिछली क्लोज हो जाती हैं। उलमा ने इस रात को गुजारने के बड़े तरीके इरशाद फरमाए हैं और कहा है कि आप इस रात को किस अंदाज में गुजारें और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में क्या क्या मांगें, क्या क्या पढ़ें, ये उलमा ने हमें अता की है। हम पढ़ते हैं और पढ़ते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। और नियत भी रखें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जैसे ही ये शाबान मुअज्जम की पतली रात आ जाती है तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की बारगाह में सर का सुजूद होकर रब की इबादत करने में रात गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और क्या खूब किसी ने ये बड़ा एक कलाम लिखा है कि करम खुदा का नबी का सदका कि झोली सबकी भरी हुई है, शबे बरात में मोमिनों पर रिदाए रहमत तनी हुई है। ये शब है रहमत, ये शब है मुबारक, ये मगफिरत और लैलाए सक, रसीद बख्शिश मिलेगी बेशक, ये आस अपनी बंधी हुई है। गुनाहगारो दुखों के मारो, मैं दूंगा सब कुछ मुझे पुकारो, खुदा की जानिब से रात भर ये सदाए रहमत लगी हुई है। खुदा की जाकिरे जबान मांगो, रिजा पे शाकिरे जनान मांगो, सलामती और अमान मांगो, सितम से दुनिया जली हुई है। शिफाए मांगो, अताए मांगो, तवाफे काबा को
फजाए मांगो, दरे नबी की फजाए मांगो कि बेकरारी बड़ी हुई है। इताअतों पे करार मांगो, बुराइयों से फिरार मांगो। सुकून की बादे बहार मांगो, हवाए फितना चली हुई है। और दिन में रोजा तो शब में सजदे, ये निस्ब शाबान यूं ही गुजरे कि अपने आमाल की सी में खुदा के हाथ हाजरी हुई है। नहीं है जायज पटाखे बाजी, आज की रात में लोग ना इस शाबान की जो बदर की रात होती है रात में पटाखे बजा के गुजारते हैं। नहीं है जायज पटाखे बाजी, करो ना इस शब फजूल खर्ची। ना होगा ऐसे खुदा भी राजी, ये रसम फिर क्यों पड़ी हुई है। न जाने साकिब वो बाल कितने थे, बनू कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। इस रात में अल्लाह ताला लोगों को बख्शिश के परवाने अता फरमाता है। इधर इशारा कर रहे हैं, न जाने साकिब वो बाल कितने थे कल्ब वालों की बकरियों के जिनसे बढ़कर गुनाहों की भी खुदा से बख्शिश मिली हुई है। ये शाबान मुअज्जम की बदर की रात जैसे ही आ जाती है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बनू कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर बल्कि उससे बढ़कर बनू कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से बढ़कर अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की बख्शिश फरमाता है। अब अगर एक बकरी के बाल गिनने बैठे तो कितने लाख बढ़ जाए, कितने लाख, अब तो गिनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कितने लाखों की तादाद। और फिर बनू कल्ब की बकरियों की तादाद क्यों बयान हुई, बनू कल्ब की जो बकरियां उन्हीं की तादाद क्यों बयान हुई। लिखा उलमा ने इस वजह से कि अरब का ये जो कबीला था इनके पास सबसे ज्यादा बकरियां हुआ करती थी, और जब सबसे ज्यादा बकरियां हैं तो अब उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। तो गोया के शाबान मुअज्जम की बदरी रात कितनी मरतबा आ चुकी होगी, और कितनी मरतबा आई है इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों की बख्शिशें फरमाई होगी। और अभी तो ये बदर की रात आने वाली है, बरोज मंगल गालिबन बनती है, मैं इंशाल्लाह कंफर्म करके आपको बताता हूं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों पर क्या क्या रहमतें क्या क्या बख्शिशें लुटा रहा है, आने वाली है। और इस रात में तकदीरों के फैसले होते हैं, कितनों ने दुनिया में आना है, कितनों ने दुनिया से जाना है, कितनों की शादियां होनी है, कितनों का कुछ होना है, किसी को रोजगार मिलना है किसी को नहीं मिलना है। आज की रात में जो लैलतुल बरात है, शबे बरात इसे कहा जाता है, तो इसमें जो अल्लाह की तरफ से किस किस को क्या मिलना है ये फैसला हो जाता है। और उलमा ने लिखा कि ये जो रात आती है इस रात में जैसे ही मगरिब शुरू हो, मगरिब की अजान होती है तो रात शुरू हो जाती है, इससे पीछे वाला जो साल है इसका रजिस्टर बंद हो जाता है, नामा अहवाल का रजिस्टर बंद हो जाएगा। और जैसे ही मगरिब आएगी तो वैसे ही अगला एक रजिस्टर ओपन हो जाएगा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ होगा। उलमा ने यहां पर बड़ा खूबसूरत एक अंदाज बयान किया कि ये जो रात आती है इसमें इबादत तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक ये अमल भी कर ले। वो अमल क्या है, 14 शाबान 14 तारीख को असर की नमाज मस्जिद में पढ़े और यहीं बैठे रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, जिक्र अज़कार करते रहे, जिक्र करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही मगरिब होगी तो वो जो पिछला रजिस्टर है वो बंद हो जाएगा, और उस रजिस्टर के आखिरी सफे पर लिखा हुआ होगा कि ये इस साल के आखिरी हिस्से के अंदर या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहा था। अब जैसे ही मगरिब शुरू होगी तो नया रजिस्टर खुलेगा, उसके शुरू में भी लिखा हुआ होगा
कि या अल्लाह ये जो रजिस्टर इसका ओपन हुआ है, इसकी की जिंदगी का नया जो साल शुरू हुआ है, इस साल के पहले ही लम्हे के अंदर ये तेरे घर में बैठा हुआ था, नमाज का इंतजार कर रहा था, नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद फिर नवाफिल पढ़े हैं, इंशाल्लाह वो भी बयान करेंगे कि वो नवाफिल कैसे पढ़ने हैं। तो ये उलमा ने एक अंदाज बयान किया कि आप अपने इस रात के आगाज किस तरह करें और इस साल का इख्तिताम किस तरह करें, तो कोशिश करें इसी तरह अपनी जिंदगी का ये जो शाबान की 15वीं रात आने वाली है उसमें इसी तरह करें। और फिर उलमा ने एक बात और बयान की, हदीसे पाक भी है कि पूरी रात इबादत करनी है और पूरी रात में अल्लाह तबारक व तआला क्या बख्शिशें फरमाता है, क्या इनायतें फरमाता है, वो भी अर्ज करता हूं। लेकिन अब रात को गुजारना किस तरह है इबादत में, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों पर इतनी बख्शिशें करवाई हैं कि क्या जब पढ़े तो बंदा झूमता है, जो आंखों से देख के आए तो उसकी बात ही हो रही है। आए आए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए क्या कुछ अता फरमाया है। वैसे तो जो शख्स इबादत करे, पूरी रात गुजारे, अल्लाह की बारगाह में झुके तो उसकी बात निराली है, लेकिन अब देखिए कोई अगर नहीं गुजार सकता उसके लिए क्या इनाम है, क्या तरीके का है। देखिए जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, सुभान अल्लाह कहिए, जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले गोया कि उसने आधी रात इबादत करी है, आधी रात की इबादत हो गई है। फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले गोया उसने पूरी रात की इबादत कर ली है। अगर कोई शख्स इस रात में रात को गुजार या जाग के ना गुजार सके और वो सजदा रेज ना हो सके, इबादत ना कर सके, कुरान की तिलावत ना कर सके, नवाफिल ना पढ़ सके, वो कम से कम ये नियत जरूर कर ले पक्की कि ईशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़नी है और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़नी है, इंशाअल्लाह नियत कर ले। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बंदा अगर जान इस रात के आने से पहले दुनिया से चला गया अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देगा। अच्छा, अब देखें इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों पे कितनी रहमतें फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ये पूरी रात सदाएं आती रहती हैं रब की तरफ से। है कोई मुझसे कोई मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, है कोई मुझसे बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसको रिस्क भी दूंगा, मैं उसको बख्शिश भी दूंगा, मैं उसको अता भी करूंगा, मैं उसको नवाजूंगा भी, है तो कोई मांगने वाला, हम तो माइल का करम है कोई साइल ही नहीं, रब तो फरमा रहा आके मांगो लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। लेकिन इस रात को गफलत में गुजार दिया जाता है और ये रात बड़ी बरकतों वाली रात है, इतनी बख्शिशों के परवाने लोगों को अल्लाह की तरफ से रहमत के सबब मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बदनसीब भी हैं कि जिनकी बख्शिश इस रात भी नहीं होती। अल्लाह हू अकबर, इस रात उनकी बख्शिश नहीं होगी, वो कौन कौन है जी? देखिए जरा सुनिए, नंबर एक मां बाप का नाफरमान। अल्लाह बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को बख्शिश के परवाने दे, ये महरूम रहे मां बाप का नाफरमान। अल्लाह शराब नोशी करने वाला, कता ताल्लुक रिश्ता तोड़ने वाला, मुशरिक अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला,
चुगलखोर, चुगलखोरी क्या है, इसकी उसको लाके लगा दी, उसकी इसको लगा दी आके, उनकी बख्शिश नहीं होगी। पहले नंबर पे देखें मां बाप का नाफरमान, मां बाप के नाफरमान को बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाला, मेरे मीठे मोहतरम प्यारे शाह भाइयों, आज के इस बयान की बरकत से मैं आप लोगों को ये दावत भी दूंगा, अगर आपके मां बाप में कोई आपसे नाराज है, अगर आप ये समझते वाकई उनकी गलती थी, उन्होंने ज्यादती की है भले, लेकिन है तो मां बाप ना, अगर ये रूठ गए तो कुछ भी नहीं बनेगा। सीने से लगाकर कहा करती थी मुझको, तू लाल है मेरा ना सता मुझको, पछताएगा एक दिन जब चली जाऊंगी, ना चाहते हुए भी अकेला छोड़ जाऊंगी, जमाना देगा गर्मी की शिद्दत तुझको, तू याद करके रोएगा फिर मुझको। बड़ी मुद्दत से मेरी माँ ने सीने नहीं लगाया, बड़ी मुद्दत से मेरी माँ ने सीने नहीं लगाया, अब खाक में सो गई जब कुछ कहने का वक्त आया। मेरे मीठे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाई, यकीन माने कि जब ये चले जाएंगे ना तो फिर लोग अपने स्टेटसों पे लगाते हैं कि चले गए, तस्वीरें लगा रहे होते हैं चले गए। जब चले जाते उस वक्त इस मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात कही है, कहा कि आप मरने के बाद इतना ख्याल करने की तरफ आ जाते हो मां बाप का, अगर वो जिंदा हो उसी जिंदगी में आप इतना ख्याल करो तो अल्लाह की रहमत से उन्हें मरे ही ना। मौत तो बरहक है लेकिन इस तरह अंदाज में ना मर जाए वो। मौत के बाद क्या ख्याल आता है, मैं अब इसकी कब्र पर फूले फूल फूल ही फूल डाल दूंगा। जिंदगी में कभी एक फूल मां को दिया, कोई एक फूल ला के मां जी ये ले। कब्र को बड़ा पक्का बना के साइडों से बड़ा खूबसूरत बना के करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी में कभी उनका कमरा खूबसूरत बना के दिया कि मां जी ये ले आप यहां पे रहे, अबू जी आप यहां पे रहे। मैं समझता हूं कि हाँ उनकी तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्होंने बतकाजा बशरियत हक तरफ कर भी दिया हो, लेकिन हमें तो जरूरत नहीं है कि बोले कि तुमने ये किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, तीन मरतबा फरमाया। अर्ज की या रसूलल्लाह किसकी, फरमाया उसकी कि जिसने अपने वालिदैन में से दोनों या एक को जिंदगी में पाकर जन्नत ना हासिल की हो, गोया के खिदमत करके जन्नत मिल रही है हम फिर भी दूर है। मेरे मीठे मोहतरम प्यारे साहबियों, मां बाप को जाके राजी कर। मैं जहां बैठ के आपको ये बात कहूं कि समझ ले बिल्कुल ठीक है उनकी गलती है 100% गलती है, लेकिन जाके कदमों में गिर जाए मां जी आज माफ कर दे। आप जब तक ये बोलेंगे नहीं कि मैंने माफ किया तब तक मैं उठूंगा नहीं, सर नहीं उठाऊंगा आपकी बारगाह से। मैं एक साहब को जानता हूं यहां पर आते भी हैं, वो मुझे एक दिन पहले ये बात बता रहे कि मेरा बच्चा है उस वो बाहर गया, उसके मामला खुद बहुत सारे अल्लाह की तरफ से होते जा रहे हैं, वरना बाहर जाने वाला कितने पापड़ बेलता सबको पता ही है, यार खुद बहुत उसके मामला होते जा रहे हैं। मैंने कहा ये माँ बाप की दुआएं होंगी, कहता नहीं नहीं असल बात ये है, मैंने जब कहा कि मुझे यहां मसला है, उसने कहा अबू जी मैं बस अभी पहुंचा, मैंने रात को कहा कि मैं यहां फंस गया हूं अबू जी मैं अभी पहुंचा, भले वो कहीं पर भी हो, कहता है मुझे यही लगता है कि ये उसी की बरकत है कि सारे मामला उसके हल होते जा रहे हैं। मेरे मीठे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाई, खुदा रहा अगर मां बाप है आप, जो मां बाप अगर आप मां बाप है आप सुन रहे हैं तो आप भी अल्लाह की रिजा के लिए अपने बच्चों को माफ कर दें, और जिनके मां बाप आपके अगर मां बाप है, ये जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं या आप जो बैठे हैं, अगर आपके मां बाप है
अल्लाह उनका साया आप पर आफियत के साथ ईमान की हालत में गैर मुहताजी के साथ दराज फरमाए, लेकिन अगर है तो आप जाके उनसे माफी मांग ले, राजी कर ले उनको, उनकी रिजा सब कुछ मिल जाएगी। बाप की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, अल्लाह की जनाब में सुरखरुई अगर चाहिए दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह ताला बड़ा नवाजने वाला है। अल्लाह तबारक बताला ने जहां जहां पर अपनी इबादत का हुक्म फरमाया है ना, वहीं वहीं पर अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का भी कहा है। बहुत इनके हुकूक हैं, माँ बाप पर औलाद के हुकूक हैं, औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं, तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप को राजी कर लें जाने से पहले, दुनिया से निकलने से पहले पहले, जब तक सांस चल रही है सांस रुकने से पहले पहले अपने माँ बाप को राजी करें, आप नियत कर लें इंशाल्लाह हम राजी करें। आज तो फतन कुछ उनको ले, हालांकि आप देखें अपनी जिंदगी आपने गुजारी, आपने भी आप कभी चप्पलें भी ले जाओगे बोलेंगे मुझे तो जरूरत ही नहीं थी, ये मेरे लिए क्यों ले आए, कपड़े ले जाओ तो भी कहेंगे मुझे तो जरूरत ही नहीं थी, कोई खाने की चीज ले जाओ बेटा आप खाओ। और जब बता माँ बाप बनता है तभी पता लगता है कि बच्चे से मोहब्बत कितनी होती है, लुकमा वो खाना होता है पेट अपना भरा होता है। कोशिश करें अपने माँ बाप, अपने बच्चे, फैमिली मेंबर्स और अपने रिश्तेदारों से दुनिया ऐसी उनके साथ मिल मिलाप करके गुजार के जाएंगे, बाद में कहेंगे यार अच्छा था बड़ा, बहुत अच्छा था, किसी का बाद में ये कह देना कि अच्छा था यही बख्शिश की मोहर है उसकी। फिर दूसरा किसका फरमाया गया, जो रिश्तेदारों से कतअ ताल्लुक करने वाला। मेरे मीठे मोहतरम प्यारे सुनने, यकीनन हो सकता है कि उनकी तरफ से गलतियां हो, लेकिन ये रात ऐसी है और वो कहा जाता है ना, आपने बड़ा मुहावरा सुना, आप सब बुजुर्गों से ही सुना है कि ताली दो हाथ से बजती है, हो सकता है कोई गलती हमारी भी हुई हो, उनकी भी हो तो हमारी भी हो, 99% उनकी हो 1% हमारी भी हो सकती है, तो हम भी तो जाके माफी मांगने में मेहनत कर सकते हैं। रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जिनके साथ अगर कतअ ताल्लुक अल्लाह ना करे होया हुआ है तो उसको खत्म कर दें, माफी तलाफी मांग के ये रात आने वाली है, इस रात के अंदर उस बंदे की बख्शिश नहीं होगी फिर जो अपने रिश्तेदारों से कतअ ताल्लुक है, अपने वालिदैन का ना फरमान है। मेरे मीठे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाइयों, देखें दो तरह के हुकूक है हमारे ऊपर, एक अल्लाह का हक है और एक बंदों का हक है। अल्लाह का हक यानी जो अल्लाह ने हमें काम कहे हैं वो करना और जिनसे मना किया है उनसे रुकना, अल्लाह का हक है। अगर हम इनमें से कोई कोताही बरतते हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करें सच्चे दिल के साथ, अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन एक बंदे का हक है। अल्लाह से तो माफी मांगनी मांगनी है, अल्लाह तब माफ करेगा जब बंदे से भी माफी मांगेंगे। उसका हक तलब किया होगा, उसके हक तलब करने की तलाफी करके उससे माफी मांगेंगे, फिर जाके अल्लाह भी माफ करेगा। किसी का कुछ लेके दबा लिया, बहनों की जायदाद दबा ली, या किसी की जमीन का 1 इंच अपनी तरफ खींच लिया किसी तरह चलाकी के साथ, ये चलाकी यहीं पर चलेगी, कब्र में जब जाके डंडे पड़ेंगे फिर पता लगेगा, सारी चलाकियां खत्म हो जाएगी वहां पे, वहां कुछ भी नहीं चलेगा, वहां पर तो सारी खुली किताब मौजूद होगी, ये इसने किया है। हदीसे पाक में आता है अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त जमीन हथियारी कब्जा कर लिया, कल भरोसे की आवत वो जमीन का हिस्सा तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाए, कितनी रुसवाई होगी उस वक्त। तो किसी का कोई हक नहीं दबाना, किसी का कोई हक तल्फ नहीं करना, और जो रूठे में उनको मनाना।
कोशिश करें आप मना लें। आजकल ना इन दिनों के अंदर अभी देखिए एक मैसेज चल पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, दीगर मैसेज भी आएंगे, लोग माफी मांग रहे होंगे। अगर मुझसे आपका कोई हक तलब हो गया हो, मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। सच्ची बता, अगर 1000 लोग उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो ना, उनमें से कोई भी नाराज नहीं होगा, उनको मैसेज जाएगा, लेकिन जो नाराज होगा उसके पास जाके माफी नहीं मांगेगा। हमारा उल्टा एक निजाम बना हुआ है। बस पेज पे कुछ है, पेज की पिछली साइड में क्या है ये उसको नहीं पता। तस्वीर के दो रूप है, सामने वाला अच्छा है, पीछे क्या है। तो कोशिश करें कि ये सोशल मीडिया अच्छी बात है, नाजायज नहीं कह रहा लेकिन अच्छी बात, लेकिन उनको भी तो माफ कर, उनसे भी जता के माफी मांगे कि जो वाकई नाराज हो, जिसका पता है कि भाई ये तो वैसे ही ठीक है बस, लेकिन फिर भी उनसे माफी लाजमी मांगे कि जो वाकई नाराज हो उनको मनाए। मेरे मीठे मोहतरम पैसे लेना, ये रात आने वाली है, इस रात के अंदर बख्शिश कितनी मिल रही है ये जहन में रखिएगा। ऐसे लोगों को बख्शिश नहीं मिलेगी जो इस तरह का काम करता हूं। कोशिश करें कि अपने रूठे हुए को बनाए और अपने करीब के पड़ोसी इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अगर वो आपको समझते, आप समझते कि उनसे भी कोई थोड़ी सी नाचाकी चल रही है, उनको भी प्यार मोहब्बत के साथ मना ले और अल्लाह की रजा के लिए मुझे भी माफ कर दें आप सब के साथ। मैं भी आप लोगों से अगर बतकाजा बशरियत इंसान हूं, मैं बतकाजा बशरियत ये कमेटी और सारे आप लोग यहाँ पर हैं, अल्लाह की रजा के लिए मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, कहें कि हमने माफ किया। और अगर बिलफर्ज आपकी वजह से मेरा कोई कहीं पे दिल दुखा हो, कोई हक तलब हुआ हो, तो मैं भी अल्लाह की रजा के लिए आप सबको माफ करता हूँ पेश। कोशिश करें मेरे मीठे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाइयों, यहाँ पर आप यकीन जाने के जब ये आंखें बंद होगी फिर खुलेंगी, फिर पता लगेगा। अभी कोई भी नहीं है, उस वक्त कोई भी हो, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार करने वाला है ना वो भी साथ नहीं होगा अंदर। कोशिश करें कि जिसका हक दबाया हुआ है उसको चुप करके, अगर आप समझते उसको नहीं पता तो आप चुप करके जाके उसको दे, जो आपने देना है उसका, जो अगर हक दबाया हुआ है तो वो दे के, और ये कहें कि भाई 15 शाबान आने वाली है और आज की रात जो 15 शाबान की है तो इस रात के अंदर अल्लाह की तरफ से बख्शिश के परवाने लौटाए जाएंगे, मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे माफी मांगने के लिए आया। मैं नहीं समझता अगर ये अल्फाज आप कहें और वो आपको माफ ना करे, वो माफ जरूर कर देगा, अल्लाह की रहमत से मिल जाओ माफ कर देगा। तो कोशिश कीजिए कि आज की रात, ये रात शबे बारात की जो रात आने वाली है, इससे पहले पहले अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब जिनके साथ सलाम दुआ है, जो भी है आपका जिसके साथ ताल्लुक है, किसी तरह का भी है, कोई आपके मातहत है या आप किसी के मातहत है या आपके अड़ोस पड़ोस में है कोई रिश्तेदार है, कोई माँ बाप है, कोई कमेटी वाले हैं, कोई नमाजी है, कोई इमाम है, कोई खादिम है, कोई इसके अलावा रिश्तेदारी के अंदर कोई है, किसी का किसी के साथ लेन देन है, कोई गाहक मुसलसल आता रहता है, उसके साथ कुछ हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए उनको भी राजी कर ले, उनसे माफी तलाशी का भी इंतजाम कर ले। अब मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह फिर मजीद बताता हूँ, वक्त थोड़ा तसर सा है। एक वजीफा इस महीने के अंदर अगर जिनके मामलात रुके हुए हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रोजी के मामलात हैं, बीमारी के मामलात हैं, अगर किसी का कोई काम अटका हुआ है, फंसा हुआ है, कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा, या मकान बिकना ही रहा या लेना है वो मिल नहीं रहा, या किसी के कोई पैसे कुछ आगे पीछे है, लेने देने करने हैं, जो है अगर अटके हुए हैं वो नहीं मिल रहे, उनके लिए एक वजीफा शाबान के महीने के अंदर, जो शख्स एक दिन में किसी भी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक्कुल मुबीन, दोबारा सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक्कुल मुबीन, तीन दिन